गुजरात चुनाव में बड़ी चर्चा है पाटीदार ओबीसी और दलित वोटरों की, लेकिन इस बार मुसलमानों की चर्चा नहीं है। ऐसा क्यों है, बता रहे हैं पंकज झा। पीएम साहब या अपना राहुल जी या और कोई भी नेता है, मंदिरों में गए कभी भाई? कोई एक मस्जिद में आपने मुलाकात की? नहीं तो वो नहीं, वो जानते हैं कि इनके वोट की हमको जरूरत ही नहीं है। वडोदरा के मांडवी गेट पर बेकरी दुकान चलाने वाले इस्माइल दुखी हैं। किस चुनाव में उनके समुदाय को कोई पूछने वाला नहीं है। पाटीदार ओबीसी और दलित पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुसलमान चुनावी चर्चा से गायब है। गुजरात का चुनाव सिर्फ गुजरात का नहीं, देश भर का चुनाव है। मैं बिहार का रहने वाला और यूपी में काम करता हूँ, लेकिन जब गुजरात के चुनाव के सिलसिले में यहाँ आया, कई इलाकों में घूमा, तो ये सवाल हैरान करने लगा कि इस पूरे चुनावी बहस से मुसलमान कहाँ गायब हो गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, वैसे तो यहाँ पर दो ही बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ही मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं कर रही हैं। बीजेपी तो बीजेपी, इस बार कांग्रेस भी मुस्लिमों की तरफ नहीं देख रही। राहुल गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए चुनाव के दौरान दो दर्जन मंदिरों में दर्शन को पहुंचे, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं गए। कांग्रेस में आए बदलाव से गुजरात के मुसलमान हैरान हैं। पहली बार ही हो रही है ऐसा हमारे साथ, कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ भी कर नहीं रहा है और आ भी नहीं रहा है हमारे पास, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट से सिर्फ कांग्रेस को गिरेंगे, बट इवन कांग्रेस भी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। गुजरात में मुस्लिमों की आबादी करीब 9% है। कांग्रेस ने इस बार 6 मुस्लिमों को टिकट दिया है। अब्दुल हमीद का वडोदरा में इत्र का कारोबार है। 40 साल से इनका परिवार ये काम कर रहा है। राजनीतिक दलों के रुख पर हैरानी इन्हें भी है। उनको लेकर के हर राजनीति वाला अपनी राजनीति कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ वो उनका काम है। हमारा काम क्या है कि हमें किस चीज पर फोकस करके वोट देना है। अब्दुल हमीद की दुकान से 10 कदम दूर अहमद अली की भी इत्र की दुकान है। अहमद अली के मुताबिक वो लोकसभा चुनाव में भी मोदी के साथ थे, अब भी मोदी के साथ हैं। इन्होंने तो बाकायदा मोदी के नाम से इत्र तक बना रखा है। आपका मन दुखी नहीं है? क्यों दुखी होगा? वो हुकूमत है जो भी है उसको फॉलो करो, हमको ये हुकूमत अच्छी लगती है। मोदी जी कैसे लगते हैं आप? सही है। वडोदरा में मुस्लिम आबादी 15% है। वडोदरा के कुछ मुसलमान ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी मंदिर जाएं, इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राहुल मंदिर जाते हैं तो उसमें दिक्कत मुसलमानों को नहीं, अगर राहुल दरगाह पर या मस्जिद नहीं आते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कि आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मुस्लिम फैक्टर नहीं है गुजरात में, आप लोगों को कोई एतराज नहीं? किसी को कोई एतराज नहीं? हमको सुकून है, खुश है। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में पिछली बार सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक थे। बीजेपी ने पिछले 19 साल से एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस भी दहाई की संख्या में टिकट नहीं दे सकी। कांग्रेस ने 2007 में 6, 2012 में 5 और इस बार 6 मुस्लिमों को टिकट दिया है। वडोदरा से पंकज झा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।